भाई ये चेक करो, कश्ती जा रही है, दाने उठा के जा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, क्योंकि फसलें वगैरह उगाते हैं ना। टक्करे ना करण दे फुआरे या सारे भ्रावां गल गल यार ये। हेलो गाइस, कम ऑन एवरीवन, कम बैक ऑन न्यू वीडियो। आज के लोग स्टार्ट करते हैं फहद भाई से। हां जी सुनाओ जी फहद भाई, फिलहाल अभी हम निकल पड़े हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको जगह का पता, लेकिन आप वही जाके दिखाते हैं। अभी अभी यहाँ से खानपुर से निकले हैं, टाइम तो नहीं है, वैसे ही बैठे बैठे मूड बन गया, हम गए चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ जाके सीन पर आपको पूरा इंजॉय करते हैं, आपको चस आएगी इंशाल्लाह। कुछ लोगों ने वो जगह देखी नहीं होगी जहाँ पे हम जा रहे हैं, अभी चलते हैं वहाँ साथ साथ एंजॉय कराते हैं जी। सही है ना बाबा जी? ये देखो दरिया पे आए हैं, ये दरिया मैंने पहले आपको दिखाया होगा, ये जगह है आपको बताऊं चाचना वाली पुल। अभी हम चाचना वाली पुल पे, ये देखो सारे तस्वीरें वीडियो बना लिए हैं, अभी हम चाचना वाली पुल पे विजिट किए, अब जा रहे हैं ख्वाजा गुलाम फरीद की दरबार पे। जो जानता है वो मानता है, सच वाला ख्वाजा गुलाम फरीद वो हस्ती थी, वो पूरा दरिया ना एक लोटे में डाल लेते थे, पूरा दरिया एक लोटे में डाल लेते थे, वो हस्ती है जिनके हम दरबार पे जा रहे हैं। वहाँ जाते हैं, आपको एंजॉय कराते हैं, तो इंशाल्लाह तस्वीरें वीडियो बनाते हैं और ज़ियारत भी करते हैं सारा। चलो जी भाई ये चेक करो, कश्ती जा रही है, दाने उठा के जा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, क्योंकि फसलें वगैरह उगाते हैं ना, तो फसलें फिर ये कश्ती में लेके जाते हैं अपने दाने वगैरह। क्या ही चस है यार, यहाँ बड़ी कश्तियाँ घूमती है। वो देखो वो पता नहीं सामने क्या घूम रहा है, ये निकला हुआ है, ये पता नहीं क्या है, कोई समझ नहीं आती कश्ती कितना दूर है। वो देखो वो भी खड़े हुए, ये गंदम वगैरह उगाते हैं ना सामने, वो देखो गंदम वगैरह वहाँ से, फिर ये गंदम है सारी, यहाँ से उठा के आते हैं। ये ख्वाजा गुलाम फरीद की दरबार है, ठीक है जी, ये देख लें सामने बोर्ड लगा हुआ है। अब हम जा रहे हैं अपने पीरों के पास, हमारे पीर भी उनकी भी ये दरबारें हैं, ख्वाजा बुद्धन सिंह गुलाम दुरपाक सिंह सबकी, मतलब दुरपाक साई सबकी यहीं पे दरबार है। तो अब यहाँ चलते हैं, अब यहाँ का व्यू दिखाते हैं, माशाल्लाह यार बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। यहाँ दरबार से भी हो लिया, तो अब हम जा रहे हैं वापसी, जाते हैं, कुछ दोस्त भी आए हुए हैं। ये बाजार बाजार भी आपको पूरा है, समझोगे कोट मिठन जिसको कहते हैं, कोट मिठन किसे पूछ लेना, अपना हिस्ट्री में सर्च मार लेना ख्वाजा गुलाम फरीद, पता लग जाएगा। हाँ मिलती है सारी बात, दिखाते हैं भाई जी, ये बाजार है, ठीक है जी, दिखाते हैं वो बाजार। यहाँ हम जब बच्चे होते थे ना, छोटे होते थे, कस में यहाँ से ऐसी चीज़ें लेने की तलब होते थे, भाई ये लेना है, जहाज लेना है, फलाना लेना है, फलाना लेना है। आज वल्ला देखे ही नहीं है चीज़ों को, क्योंकि बचपन एक बचपन बड़ी चीज़ है, कस में यार बचपन बचपन होता था, आते थे माँ बाप से कहते थे ये लेके दो वो लेके दो, बड़ी ख्वाहिशें करते थे, कस्में बड़ी बड़ी चीज़ें लेके जाते थे, भर के जाते थे बैग, लेकिन अब कोई वो ही नहीं है, कस्में दिल ही नहीं किया कोई चीज़ लेने को। यहाँ एक से एक सिस्टम, हर चीज़ वैसे की वैसे है, बस थोड़ी आपको पता है तरक्की होगी, वरना पहले बड़ा मतलब सिस्टम इसका होता था। तो ये देखो बाजार बाबा जी, यहाँ का हमें स्टार मिला, नाम क्या जी? सम्राट मुगल। क्या उमेर? सुनैर मुगल, बड़ा तेज है, जब मेरे समझ लगी फिर कहता है उमेर। तो क्या नाम की आईडी टिकटॉक की? आईडी नहीं है। ये वो बंदा जैसे वो मलिक डोन वाले नहीं घूम रहे, अपनी आईडी नहीं है, लोगों को फेमस किया हुआ है, सही बात है ना? तो यार बड़ा अच्छा बंदा है, पर्सनैलिटी बड़ी हैवी बनाई हुई है तुमने। हाँ हाँ सुमैर जी, खड़े हो गए दिखाओ एक दम। ऐसे बंदे आपको पता है, हर बंदे को फेमस करते हैं, तो बहुत आवाम कहते भाई बता रहे हैं, वीडियो बना के जाते हैं, वायरल हो जाती है। चलो जी अच्छी बात है, तो अभी आगे बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट मारते हैं यहाँ पे, फिर आगे का सीन पर साथ साथ एंजॉय कराते हैं आप। हाँ जी बाबा जी, खाना आ गया है, देखो तो उर्दू हम नहीं समझ, तुझे खाना तो नहीं खाने देंगे हम, खाएगा ये कहता है बाबा जी खाना मैंने नहीं खाना, हमने कहा चल खा ले इसको भी खाना खिलाते हैं, इसके साथ एक वीडियो बनाएंगे टिकटॉक पे, चेक करना
बड़ी कहते हैं कि स्टाइल है इसका, कोई चेक करते हैं इसके बाद वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वीडियो बनाओगे? पैसे वैसे नहीं लेता वीडियो के। अच्छा हाँ सस्ता है ये तो। चलो कोई नहीं, खाना वाना खा के ना तो फिर भाई की वीडियो कोई बनाएंगे टिकटॉक भी, फिर आप चेक करने भाई जी देरे पे आ गए हैं, वो बाइक खड़ी की है। जाट साहब भाई खैर तो है? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, फिट फाट अंकल जी, की हाल चाल है? तबीयत फिट फाट है उस्ताद जी? की सीन पाट है, क्या मामला था, क्या सोच के बैठे हो? लगता है उस्ताद ने अपने हाथ का खाना खिलाना है आज, एवं ये चीज बड़े सालों बाद आपके हाथ का खाना खाएंगे यार। तो बड़े साल, दो साल हो गए ना, थोड़ी बात है, दो नहीं ढाई साल, क्योंकि दो साल तो खिला के थोड़ी गया था, उससे भी पाँच छः महीने पहले खिलाया था। आप जाट जी अपने हाथ का खाना खिलाएंगे, देखो पता नहीं टेस्टी भाई टेस्ट रहा है या नहीं रहा। जाट जी किस इन बाट हूँ किन्नी देर है अंकल? मिर्चा बस कर, सानू भुख बड़ी लगी है जाट जी। मिर्चा बस कर, बस कर अंकल जी, मिर्चा मैं बड़े घट खाना अंकल ने, इनू पता नहीं की बढ़ाया था यार, मिर्चा ते वसल ते थूम ते सारा कुछ राज ते डेरे दे उते। बाबा जी जाट साहब ने स्टार्ट कर दिया कुकिंग, स्टार्ट कर दिए और इसमें मटन डाल रहे हैं। अब देखो बनता कैसा है अल्लाह को पता। जाट जी कितनी देर लगेगी? देर कितनी देर? दो घंटे। ये तो कम लंबा ही करता है जट साहब। चलो दो घंटे फिर आफ्टर अ मोमेंट टू होर। जट जी की मसला बह गया, ढक्कन नहीं मिल रहा कढ़ाई का, तीन चक्कर लगाए अंकल ने लेकिन ढक्कन नहीं मिला, ये तो बहुत गलत है। अब ये क्या बड़ा है यार, ये तो रोला बड़ा खराब हो गया, मसला हल करो। परेशानी खाना पकने वाला है और अंकल जी भी ढक्कन ही लेके आए। नहीं गया ये कबूतर इसके साथ लगा हुआ, ये ऐसे करेगा और ये काम का और ये उस काम का, सारा शौक दिखा रहे हैं। अंकल जी जाओ जाओ जाओ, अंकल जी अपनी कार लगे ने खाना भी रेडी होने वाला है, जैसे शौक भी देख रहे हैं साथ साथ, तो ये चक्कर मेरे पास भी हैं बाबा जी, ऐसे आपने देखे होंगे मेरे पास भी हैं। मैंने मेरे ख्याल में आज नहीं खाया, जट साहब ने मुझे कबूतर दिए थे तो दिखाऊंगा मैं चल के घर। बाबा जी काम थोड़ा करीब आ गया है, जट साहब दिखाते हैं सिस्टम कहाँ पहुँचा है। जट जी की सीन पाट यार, अंधेरा तो फुल हो गया है, बस काम करीब ही है, अब घी डालने आया है जट, लेकिन चस कराएगी इतिहास की, मैंने एक दो दफा खाई थी, एक दो दफा खा, ज़्यादा तारीफ ही चंगी नहीं यार, एक दो दफा सही है समझा कर, ज़्यादा मिसाल नहीं लाना नहीं ना ख़राब भी हो जाए काम। उस समय व्लॉगिंग नहीं करता था, तो जट के आगे खाना खाते थे ना उस टाइम, हम हल्के फुल्के फेमस थे, अब व्लॉग शिलोग ये वो सिस्टम साथ साथ आपको इन्जॉय कराते हैं। और ठीक से कैप नहीं उतारनी हाँ, दुनिया इधर उधर हो जाए यार, ये बड़ा फेमस बंदा है साढ़े यार, बंदे नु दा अपना ओ दस नाम दस ओदा चैनल दा, वकार ब्रांड 46 ओ तुहाडी ब्रांड यार, सब भाई जेड़े ना आख जानी, तू कह जट साहब तू साडा उस्ताद है, तू कहेगा मां मन्ने बंदा ने दे चैनल नु ना सब्सक्राइब करो लाजमी, वकार भाई अपना टिकटॉक दे सपोर्ट करो हां, सोतर ये सोतर है, सोतर है हमारा अली भाई, अली भाई हमारे सोतर का पता है सबको, सब जान रहे हैं। तो बाबा जी भी बस खाना रेडी होने वाला है अन करीब, तो फिर आपको आगे का सीन एंजॉय करेंगे, टेंशन लो अकेले नहीं खाएंगे, आपको दिखाएंगे एक एक निवाला दिखाएंगे, जट दिखाएं दिखाएं मैं दिखाऊंगा भाई, ये सीन पर चेक करो, मैंने खाना खा लिया है, बाकी भाई खा रहे हैं, जट साहब का बड़ा टेस्टी खाना था वल्ला, बड़ी मज़ा आया, बड़ी मज़ा आया जट खाना खा के, इतनी मज़ा आया कितनी मज़ा का भी आया ही नहीं, मज़ा आया जट जी, मजा बड़ा आया कसम में। अब जट कोई मीठा शीठा खिला रहा है, अच्छा आगे जी आगे आगे जी, बिरयानी का मजा आया नहीं आया? आया, फुल मजा
सलमान भाई सुनाओ, चेस कराइए खाने ने। उस्ताद जी फिर की सीन है, हैवी सीन है ना शादी थे? जी जी, शादी का एंजॉय इंशाल्लाह दिखाएंगे। उस्ताद जी के भाई की शादी है, पार्ट में की कार लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी लोग भी आपको दिखाएंगे, चस आएगा। ठीक है उस्ताद जी, ओके। बाकी भी लोग एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के लोग, अल्लाह हाफिज़।